अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल ख़ान है। आज हम बात कर लेते हैं हार्ट अटैक के बारे में। दिल का दौरा क्या होता है, व्हाट इज़ हार्ट अटैक। तो इसका साइंस सिम्टम आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब कोई बंदा पर हार्ट अटैक आ जाता है तो उसका निशानदेही और अलामत क्या होता है। तो आज हम कुछ साइन सिम्टम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट हमारे पास आता है ब्रेन डायनासिस। ब्रेन डायनासिस ये दिमागी चक्कर होता है। फर्स्ट हमारे पास चक्कर आता है और सेकंड हमारे पास होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, और ये पेन बैक साइड पे, शोल्डर पे, लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा होता है पेन, और ये बाजू पे पेन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरे हमारे पास होता है स्किन कलर चेंज हो जाता है, स्किन का कलर पीला हो जाता है, और अगर हम तड़के चौथे के बारे में बात कर लेंगे तो उसका हार्ट एरिथमिया, हार्ट में एरिथमिया हमारे पास हो जाता है, जो हार्ट एरिथमिया जो एबनॉर्मल हो जाता है। हमारे हार्ट का जो रिथम होता है वो रेट होता है वो 72-75 तक होता है, तो उसका इसमें चेंज आ जाता है। अक्सर वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। दिल का जो कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्सेशन होता है वो भी इसमें चेंज होता है। और पांचवा अगर हम बात कर लेंगे तो चेस्ट का पेन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ ये चेस्ट अनकंफर्टेबल इंसान होता है, जो पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, और उसके पूरी जिस्म पर स्वीटनिंग मतलब पसीना आता है बहुत ज़्यादा। और सातवें नंबर पे अगर हम आ जाते तो रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा मसला होता है। उसका जो सांस होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कम हो जाता है, और खांसी बहुत ज़्यादा उसमें होता है, और अपर स्टमक के भी एरिया जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इसके साथ वॉमिटिंग भी हो जाता है और नाज़िया भी होता है। तो कुछ ये सिम्टम साइन हमारे हमने आप लोगों के साथ शेयर किया।